हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2022 का इंग्लिश का कंपलसरी पेपर। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंडियन लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर देखा था, हिंदी वाला, और इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का कंपलसरी पेपर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पेपर है इसके बारे में मैं बहुत कई बार बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो ये जो पेपर बी आपका होता है, इंग्लिश का कंपलसरी पेपर, जो कि 300 नंबर का होता है, और इसको पास करने के लिए आपको 75 मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ 300। ठीक है, मतलब 25% मार्क्स आपको लाने होते हैं। ठीक है, और इस पेपर को बहुत सीरियसली आपको लेना है। भले ही इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इसको पास करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यूपीएससी की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले वर्षों में देखा गया कि 11% लोग ऐसे हैं जो मेंस देने वाले 11% लोग इन पेपर्स को क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, इसलिए उनको इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिला। ठीक है, भले ही उनके दूसरे पेपर्स बाकी सब अच्छे रहे हों, बाकी सब में अच्छा स्कोर किया हो, लेकिन इन पेपर्स को क्वालिफाई ना करने की वजह से। तो उसको हल्के में ना लें, और कोई बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है इसको। इंग्लिश वाले पेपर, हिंदी तो बहुत आसान है, जैसे अगर हिंदी आप लेते हैं मतलब, या कोई भी अपनी लैंग्वेज में, तो उसको कर लेंगे। इंग्लिश में क्या है कि इसका जो लेवल है वो आपके 10th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो 10th में अगर आपने इसको पास कर लिया होगा, तो यहाँ 25% तो ला ही सकते हैं पास करने के लिए। होता क्या है कि लोग इसके सिलेबस के बारे में भी, जिनको जानकारी नहीं होती, उनके सामने प्रॉब्लम होती है, या वो एग्ज़ाम से, जब एग्ज़ाम आता है तो सोचते हैं कि चलो जल्दी से इसके बारे में प्रिपेयर कर लें, उनके सामने प्रॉब्लम होती है। अगर आपको पहले से इसके बारे में पूरी जानकारी है कि पूछा क्या जाता है, तो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो सकती है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, ये 300 नंबर का पूरा पेपर है। यहाँ पर एक जो पहला क्वेश्चन है वो आपको एक निबंध लिखना है, 100 नंबर का ऐसे लिखना है। ठीक है, तो 600 शब्दों में, जैसा कि हिंदी वाले पेपर में हम लोगों ने देखा था, इंडियन लैंग्वेज वाले पेपर में, तो यहाँ भी 600 शब्दों में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यहाँ पे चार टॉपिक दिए गए हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है। तो पहला है कि मैथमेटिक्स ए मिरर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, और दूसरा है, तो अगर मान लो ये नहीं करना, दूसरा है न्यू फ्रंटियर्स ऑफ साइंस नीड टू बी एक्सप्लोर्ड इन द करेंट टाइम्स, ये वाला लिख सकते थे, या फिर लिख सकते थे एजुकेशन इज ए मीन्स ऑफ शेपिंग करेक्टर एंड ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, ये वाला लिखा जा सकता था, और या फिर ये वाला भी लिखा जा सकता था, द रोल ऑफ लिटरेचर इन ए कॉमन मैंस लाइफ। अगर किसी का लिटरेचर ऑप्शनल है किसी भी लैंग्वेज का, तो वो इसको लिख सकता है। तो अब 600 शब्दों में निबंध ऐसे कैसे लिख सकते हैं मान लो। ठीक है, तो उसका एक सही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो सीरियसली, तो नोट्स तो बनाते ही होंगे आप, चाहे मैगजीन से या फिर किसी वेबसाइट से या फिर न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो कभी कभी आप इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर, अगर आपका हिंदी माध्यम है तो बता रहा हूँ, इंग्लिश जिनका मीडियम है उनके लिए तो ये बायां हाथ का खेल है, बड़े आराम से लिख सकते हैं। जिनका हिंदी माध्यम है या कोई दूसरा लैंग्वेज माध्यम है, इंग्लिश नहीं है, ठीक है, जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो आप क्या करें कि कभी कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लिया करें, और उसमें जो आर्टिकल होते हैं, जो एडिटोरियल होता है, या फिर जो आर्टिकल आप पढ़ रहे होते हैं, उनको पढ़ने के बाद उसको खुद से अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने का प्रयास किया करें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपकी पेपर के आते आते आपकी काफ़ी डेवलप हो जाएगी। देखो, एक दिन में थोड़ा सा टफ लगेगा, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं आप सीख सकते हो। ठीक है, हर चीज़ में टाइम लगता है थोड़ा सा। आप साइकिल सीखी होगी कभी आपने पहली बार, कोई भी चीज़ आपने शुरू की होगी तो प्रॉब्लम होती है, तो ये तरीका आपके लिए सही रहेगा, करके आप देखना, शायद तो उससे आपके करंट अफेयर्स के नोट्स भी बनते रहेंगे उस टॉपिक्स पर, और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती रहेगी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके। ठीक है, दूसरा ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व पेपर है वो आप ले लेना, किसी अरिहंत का ले सकते हो, दिशा पब्लिकेशन का, या किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हो, उसको पूरा सॉल्व कर डालना, जिनके सामने प्रॉब्लम है उनके लिए। अब होता क्या है कि बाकी सारे लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी है थोड़ी सी, वो लोग तो कभी प्रिपेयर करते नहीं इसके लिए, तो सारे लोग नहीं करते, तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपको ये देखना है कि भाई मेरी कमी कहाँ पर है, मुझे आपको कहाँ से करना है, मतलब क्या क्या करना है इसके लिए। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इसमें टाइम आपको देना ही होगा, क्योंकि इस पेपर में अगर फेल हो गए तो फिर आगे चल के इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलेगा, भले ही आपने ऑप्शनल और जीएस और एसए में कितना ही ज़्यादा स्कोर किया हो। ठीक है, तो 100 नंबर का तो यही पूछ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो, 250 नंबर का जो ग्रामर है यहाँ पे इस पेपर में, वो सिर्फ 50 नंबर की पूछी जाती है, अभी हम लोग देखेंगे। बाकी 250 नंबर में क्या है कि 100 नंबर का तो आपको यहाँ पे निबंध पूछ लिया गया, 100 नंबर का 100 मार्क्स के आपके यहाँ पे निबंध पूछ लिया गया। ठीक है, 75 मार्क्स का एक पैसेज यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया है, अभी हम लोग देखेंगे। इसके बाद एक प्रीसी पूछा गया होगा, सार संक्षिप्त में लिखना होगा, तो 250 नंबर का तो सिर्फ यही चीज़ पूछ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रामर 50 नंबर की बाद में बचती है,
सिर्फ ग्रामर की प्रिपरेशन से इस पेपर को नहीं पास किया जा सकता, ठीक है, और ग्रामर में गलती होने के भी चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, तो इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है 600 शब्दों में लगभग। तो दूसरा क्वेश्चन है, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट योर आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट फॉलो इन क्लियर करेक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ इस पैसेज को पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इस पेपर को मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपने अपलोड कर दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड करके पूरा अच्छे से देख सकते हो, ठीक है जी। तो इस पैसेज को पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद नीचे यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए होंगे इसी पैसेज के, ठीक है। तो कि 15-15 नंबर के हैं, यहाँ पे दिए गए हैं 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 75 मार्क्स का ये पैसेज है। तो करना क्या है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है आपको, और इसका आंसर इसी में से ढूंढना है आपको, ढूंढना इन द सेंस आपको इसी में से सॉल्व करना है। तो ये छोड़ के नहीं आना है बिल्कुल भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो भी 75 मार्क्स का है, प्रीसी लिखना। प्रीसी मतलब सार लिखना, संक्षेप में लिखना है। मेक ए प्रीसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, एक तिहाई शब्दों में, जैसा कि हिंदी वाले इंडियन लैंग्वेज वाले पेपर में हम लोगों ने देखा था। तो एक तिहाई शब्दों में लिखना, डू नॉट गिव ए टाइटल टू इट, इसका शीर्षक नहीं लिखना, टाइटल इसका नहीं लिखना। द प्रीसी शुड बी रिटन इन योर ओन लैंग्वेज, तो ओन लैंग्वेज का मतलब आपको भोजपुरी में नहीं लिखना है, ठीक है, आपको इंग्लिश में ही लिखना है, लेकिन इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना वहाँ पे, ठीक है। मतलब इसको पढ़ना है पूरा और इसको 1/3 शब्दों में, ठीक है, आपको लिखना है पूरा। तो अगर वर्स्ट केस में मान लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, को समझ में ही नहीं आ रहा, तब आप इसकी मदद ले सकते हो कहीं से, कोई लाइन उठा के आपको, ठीक है, छोड़ के बिल्कुल मत आना। मैंने जैसा कि आपसे कहा 75 मार्क्स का है, कुछ ना कुछ मार्क्स तो ज़रूर मिलेंगे अगर आप लिख के आओगे पूरा, तो ठीक है। तो 1/3 कैसे लिखोगे, यहाँ पे वर्ड लिमिट दी गई है 750 वर्ड में ये पूरा दिया गया है पैसेज। तो जिसका प्रीसी आपको लिखना है 1/3 में, तो 1/3 मतलब 250 शब्द में, 250 वर्ड में आपको लगभग 250 वर्ड में आपको इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अब देखो 250 नंबर का तो यहाँ तक हो गया, 100 नंबर का हम लोगों ने देखा कि एक ऐसे आपको लिखना है, 75 मार्क्स का एक पैसेज दिया गया होगा जिसके 15-15 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको उसी पैसेज से लिखने हैं। उसके बाद 75 मार्क्स का हम लोगों ने देखा कि प्रीसी लिखना है आपको, सार लिखना है, तो 250 नंबर की यहाँ तक हो गया। आपको इस पेपर में पास होने के लिए हेल्प यहीं से लेनी होगी 250 नंबर से ही। इसके बाद शुरू होता है ग्रामर। तो ग्रामर जो कि आप जानते हो, ग्रामर 50 नंबर की पूछी जा रही है, पास होने के लिए कम से कम आपको 75 मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं इसमें है कि इसकी भी हेल्प आप ले सकते हो, लेकिन सिर्फ ग्रामर की हेल्प से आप इसको पास करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो यहाँ पे रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस, ठीक है, उसको रीराइट करना है फिर, मतलब लिखना है इसी बात को, डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस, मतलब ये बात चेंज ना हो लेकिन आपको सेंटेंस चेंज करना है। तो ये एक एक नंबर के यहाँ पे 10 दिए गए हैं, तो देख रहे हैं आप इस तरीके से करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फिर सप्लाई द मिसिंग वर्ड, यहाँ पे मिसिंग वर्ड आपको लिखना होगा, ठीक है, तो ये भी 5 नंबर के हैं। फिर है यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, तो करेक्ट फॉर्म यहाँ पे लिखनी है जो भी ब्रैकेट में दी गई उसी के, 5 नंबर का है। तो ये बहुत कम मार्क्स के हैं अगर आप देखा जाए तो। एंटोनिम्स आपको लिखने हैं 5 नंबर के। 10 नंबर का आपको लिखना है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ठीक है, रीराइट करना है बिना इसका मीनिंग चेंज किए हुए, 10 नंबर का है। फिर आपको यहाँ पे करना है यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस दैट ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है, जिनका क्लियर कोई मीनिंग निकलता हो, जो कि 5 नंबर का ही है। फिर चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, 5 नंबर का है यहाँ पे, इसको तो कर ही देना क्योंकि छोड़ के मत आना इसको। उसके बाद है यूज द फॉलोइंग idioms phrases इन sentences ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, ठीक है। तो idioms phrases यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आपको सेंटेंस बनाना है, 5 नंबर का है ये, ठीक है। तो ये है इंग्लिश का कंपलसरी पेपर। तो इसका सोल्यूशन जो कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या किसी वेबसाइट पे करंट अफेयर्स के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, उसको खुद अपनी ओन लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करें, तो आप ऐसे वाला आप काम कर सकते हो। दूसरा है कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो पैसेज वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो और प्रीसी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसकी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसका मैं पहले वीडियो बना दूंगा, ठीक है, ज़्यादा जिसके कमेंट होंगे उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को।
ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।